भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव कमेटी की पहली बैठक दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में गुरुवार देर रात तक चली। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे। रिपोर्ट के मुताबिक बैठक के बाद पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए 100 से 120 सीटों पर कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा जल्द ही हो सकती है। इसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के नाम शामिल हो सकते हैं। बैठक के दौरान नेताओं द्वारा 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हारी हुई सीटों पर चर्चा हुई। इससे पहले 28 फरवरी को बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी के कोर ग्रुप की मीटिंग हुई। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की गई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। दोनों नेताओं ने मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और उत्तराखंड सहित कई राज्यों के पार्टी नेताओं के साथ अलग अलग चर्चा की। दूसरी तरफ कोर ग्रुप की बैठक में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए दिल्ली भाजपा ने 25 से 30 प्रत्याशियों की लिस्ट राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपी। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।